स्वराज अभियान और स्वराज इंडिया ने नोट बदली को अघोषित आपात स्थिति बताते हुए रविवार को काले धन के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोला। पार्टी के प्रवक्ता अनुपम ने कहा कि अभी तो ये चेतावनी है, लेकिन आने वाले वक्त में देश भर में काले धन के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वराज इंडिया ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हल्ला बोला है। हमारे साथ स्वराज इंडिया के प्रवक्ता अनुपम मौजूद है बात करने के लिए। हल्ला बोला है आपने, मकसद क्या है, आगे की एजेंडा क्या है? देखिए, मकसद तो यही है कि काले धन के नाम पे और भ्रष्टाचार के नाम पे जिस तरीके से सालों से दशकों से छला गया है हम लोगों को, खास करके अगर आप अभी के संसद सत्र की भी बात करें, जिस तरह से संसद को अपने स्वार्थ सिद्धि का अखाड़ा बना लिया इन पार्टियों ने, और सड़कों पे, संसद पे, हर जगह एक दूसरे पे वार होता रहा है, लेकिन जो असल सवाल है काले धन से संबंधित, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। नोट बदली को लेकर के आपकी पार्टी क्या कोई एजेंडा, अलग एजेंडा कर रही है? देखिए, नोटबंदी को लेकर हमारा शुरू से कहना है कि नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया था वो बहुत हिम्मत वाला निर्णय था, बोल्ड डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वो सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन इतना हिम्मत हर किसी में नहीं होता। लेकिन ये सच्चाई है कि इस निर्णय के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, इस बड़े स्तर के निर्णय के लिए, आप समझिए करेंसी का, अर्थव्यवस्था में जो कैश है उसका 86% अगर एक झटके में डीवैल्यू कर दिया जाए, तो उसके लिए किस स्तर की तैयारी की आवश्यकता होगी? कोई तैयारी ही नहीं थी। इसके तो दो ही मतलब है कि या तो हमारे प्रधानमंत्री समझ ही नहीं पाए कि इस फैसले का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर नहीं समझ पाए तो इनकम्पिटेंट है, अगर वो समझते हैं और समझने के बाद भी उन्होंने तैयारी नहीं की तो वो इनसेंसिटिव है, या तो इनकम्पिटेंट है या इनसेंसिटिव है, ये तो समझ में आया इस फैसले से। चलिए, मंजिल एक है, पड़ाव भी एक है, यानी काले धन भ्रष्टाचार को लेकर आप भी सड़कों पर हैं। किसी जमाने में आप लोग सब कुछ साथ में थे, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के से या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, तो जब मंजिल एक है, हल्ला आप लोग साथ बोल रहे हैं, तो क्या आगे आप लोग एक बार फिर साथ होना चाहेंगे? देखिए, जो लोग खुद भ्रष्टाचारी हो गए उनके साथ होके हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? और काले धन के खिलाफ बोलने वाले तो राहुल गांधी भी हैं आजकल, समाजवादी पार्टी भी पहले सर पहले सर बोल रही है। सर ये पूछ रहा हूँ, पहले बीजेपी और कांग्रेस का एक एजेंडा था, अब क्या तीनों पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? इसमें दो तीन चार संख्या के टर्म्स में नहीं देखता हूँ। दरअसल काले धन के मुद्दे पर देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, इन सब में से किसी ने भी जो काले धन के गंभीर सवाल और काले धन पे जो सही मायने में जो करने की जरूरत थी वो किया नहीं है। एक उम्मीद जगी थी जब आम आदमी पार्टी बनी थी, उस उम्मीद को तो धराशायी कर दिया गया है। आज वो पार्टी उसी कतार में खड़ी है जहाँ पे की बाकी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस जहाँ खड़ी है। ये है अनुपम जो कि स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका कहना है कि काले धन को लेकर इनकी पार्टी आगे भी हल्ला बोलते रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरा पर्सन प्रदीप रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।